तो देखो, आपको तो पता ही होगा कि भारत में कितने सारे ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। उसी में से एक ऐसे स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ जो कि टोटल 42 इयर्स बंद थी, और ये स्टेशन का नाम है बेगुन कोडा। देखो, मैक्सिमम बंदे तो ऐसे हैं जिसको इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से पता है कि ये बहुत ज्यादा हॉन्टेड स्टेशन है। कहानी शुरू होती है एक लड़की की वजह से। वही लड़की की वजह से वो बेगुन कोडा रेलवे स्टेशन 42 साल तक बंद रही। तो बात शुरू होती है कलकत्ता के हावड़ा स्टेशन से झारखंड के जोड़ने वाली जो लाइन है उसमें एक स्टेशन पड़ता था जिसका नाम है पुरुलिया जंक्शन। अब ये पुरुलिया जंक्शन से 40 से 50 किलोमीटर दूर एक गांव था जिसका नाम था बेगुन कोडार, जिस पर सिर्फ रेलवे ट्रैक थे, वहां पर कोई स्टेशन नहीं था। बेगुन कोडार के जो लोग थे उन्हें कहीं भी जाने के लिए पुरुलिया जंक्शन जाना पड़ता था या फिर वो बस से जाते थे। तो गांव के जो जितने लोग थे वो लोग फैसला करते हैं कि यहां पर भी हमें एक छोटा सा स्टेशन चाहिए। तो ये डिमांड ऊपर तक पहुंचती है जिसके बाद रेलवे वाले यहां पर एक छोटा सा स्टेशन बना देते हैं। और वो स्टेशन इतना बड़ा भी नहीं था, बस इतना था कि वहां ट्रेन रुकती थी और यात्री आना जाना आराम से कर रहे थे। फिर जो भाई अपना स्टेशन है वो बिल्कुल सही से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर सिर्फ 5 साल के बाद ये स्टेशन के बुरे वक्त आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक मोहन नाम के स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होती है जो अपने जॉब को बिल्कुल अच्छे से कर रहे थे। खैर, अब स्टेशन में हो जाती है रात और मोहन अपना काम ही कर रहा होता है, तभी उसे एक बाहर लड़की दिखाई देती है और वो देखता है कि वो लड़की ट्रेन के पटरी के बीच में अकेले दौड़ रही है, पता नहीं क्यों। मोहन उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है पर वो उसे नजरअंदाज कर देता है और अपने काम करने लगता है। फिर दूसरे दिन की रात में मोहन अपना काम कर रहा होता है तो वो लड़की उसे फिर दिखाई देती है जो ट्रेन के साथ दौड़ लगा रही थी। पर इस बार वो लड़की ट्रेन के पटरी में चल तो रही थी पर उसके पीछे से ट्रेन आ रहा था और वो बिल्कुल ट्रेन के पास से ट्रेन से भी तेज आगे चली जाती है, जिसको देखकर मोहन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर जब अगले दिन सुबह होती है तो मोहन उस लड़की को पूरे स्टेशन में अच्छे तरीके से ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलती है। अब मोहन उस लड़की को ढूंढता है और परेशान हो जाता है कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ और रात में ही क्यों मुझे दिखती है। फिर जब मोहन अगले शाम अपना काम कर रहा होता है तो वो लड़की उसे फिर से दिखाई देती है जो ट्रेन के साथ रेस लगा रही थी। फिर मोहन इसको देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और ये सारी बात रेलवे कर्मचारी लोग को बताता है, पर रेलवे के कर्मचारी उसके बात पर यकीन नहीं करते हैं और सब उसे पागल समझने लगते हैं। जब उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता है तो वो अंदर से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। फिर अगले शाम उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। मोहन की मौत होने के बाद सबको भाई बहुत बड़ा शॉक लगता है, सब सदमे में चले जाते हैं, जिसके बाद ये स्टेशन को हॉन्टेड स्टेशन घोषित कर दिया जाता है। अगले बार जब कोई भी ट्रेन यहां से जाती है तो वो धीरे क्या और ज्यादा तेज हो जाती है। यही सब कारण की वजह से ये स्टेशन टोटल 42 इयर्स तक बंद रही। अब न गांव से कोई व्यक्ति या कोई इंसान इस स्टेशन पर आता था और न ही कोई ट्रेन ये स्टेशन पर रुकती थी। इवन यहां से अगर कोई ट्रेन पार होती थी तो लोको पायलट उसकी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता था और जो यात्री होते थे वो अपने खिड़की दरवाजे को पूरी तरीके से बंद कर लेते थे। अब ये बात बहुत ज्यादा ऊपर तक चल गई जिसके बाद रेलवे वाले को पता चला ऐसा ऐसा बात है, जिसके बाद रेलवे वाले वहां दूसरे स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग करते हैं पर वो 2 दिन में ही भाग जाता है। कुल मिला के बात ये हो गई कि कोई भी रेलवे का कर्मचारी वो स्टेशन पर काम करना नहीं चाहता था। लास्ट में रेलवे वाले को बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ा और उसके रिकॉर्ड में ये स्टेशन को भूतिया नाम देकर इसे बंद कर दिया गया। फिर ये टोटल 42 साल तक बंद रही। फिर ममता बनर्जी की वजह से इसे 42 साल के बाद में वापस से खोला गया। फिर यहाँ वापस से ट्रेन रुकने लगी, यात्री चढ़ने लगे, पर रात के टाइम में यहाँ कोई भी नहीं आता। आज भी यहाँ से जब गाड़ी रात में पार होती है तो वो ट्रेन की स्पीड को बिल्कुल तेज कर दिया जाता है और वो ट्रेन वहाँ पर नहीं रुकती है।